हेलो गाइस, बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना सीखें। लर्न टू रीड इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। हेलो गाइस, आज आप वॉज वेयर बी फ्रॉम पास्ट टेंस क्रियाओं के नियम आप देखेंगे। अक्लेक्री वर्ब का दैनिक जीवन में सामान्य रूप से प्रयुक्त स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह भी बहुत ही सरल एवं महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। जैसे आप देख रहे हो, यूज ऑफ वॉज वेयर इन कन्वर्सेशन। वॉज वेयर क्रियाएं भी बी फॉर्म पास्ट टेंस कहलाती हैं। इनका प्रयोग निम्न प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में होता है। आप बनाओगे, कैसे बनाओगे? पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वॉज या वेयर आएगा, फिर कंप्लीमेंट आएगा। यह कैसे होगा आप यहाँ देखेंगे। ऐसे आप देख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर आएगा, फिर वेयर आएगा, फिर प्लस कॉम्प्लीमेंट। राम एक राजा था। राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सिंगुलर वर्ड है। राम एक राजा था, सिंगुलर है, पास्ट टेंस का है। था थी थे पास्ट टेंस में जाते हैं। था पास्ट मतलब पहले था, भूतकाल में बात चली गई। कब चली गई? भूतकाल में बात चली गई। तो राम वॉज अ मेरा मित्र था, रमेश मेरा मित्र था। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। रमेश सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा। प्लूरल के लिए वेयर आएगा, प्लूरल के लिए वेयर आएगा। रमेश वॉज माय फ्रेंड, मेरा मित्र मतलब माय फ्रेंड। वह वहाँ था। वह के लिए आपको ही आएगा, वह मतलब एक लड़का। ही वॉज देयर, वहाँ मीन्स देयर। वोकेबलरी भी बढ़ाएं और सेंटेंस भी बनाना सीखें और जो उसके रूल्स हैं वो भी देखें। वे वहाँ उपस्थित थे। इसका क्या बनेगा? दे वेयर प्रेजेंट देयर। दे मीन्स वह मतलब वे, वहाँ मीन्स वहाँ के लिए देयर आया है, उपस्थित थे। अब वे प्लूरल शब्द हो गया, प्लूरल होगा इसलिए कि आया वेयर आया है। यहाँ पर जो आया है सेंटेंस वो क्या आया है? वेयर आया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह सोया हुआ था, ही वॉज अ स्लीप। वह अमीर आदमी था, ही वॉज अ रिच मैन। वह के लिए ही आया, फिर वॉजवर आया, वॉज सिंगुलर है, अमीर आदमी था, अमीर के लिए रिच आया, आदमी मैन आया। मेरे मित्र दोषी थे, माय फ्रेंड्स वेयर गिल्टी। दोषी मीन्स गिल्टी। राम मुझसे उम्र में छोटा था, राम वॉज यंगर देन मी। यंग मतलब जवान, मुझसे जवान है। वह मेरे साथ पढ़ता था, ही वॉज माय क्लास फेलो, मेरे साथ पढ़ता था। वह बहुत गरीब था, ही वॉज वेरी पुअर। वह खुश थी, सी वॉज हैप्पी। लड़के के लिए सी आएगा, लड़के के लिए ही आएगा। सरला एक अच्छी लड़की थी, सरला सबसे पहले सब्जेक्ट सरला है। सरला वॉज अ गुड गर्ल, जो कोई किसी की विशेषता होती है, जब अच्छाई होती है, ऐसे गुड गर्ल, जो गुड है वो उसकी क्या है? विशेषता है, वो एक गुड गर्ल है, इसलिए गुड हमेशा नाउन से पहले आएगा, गुड गर्ल। राजेश एक अच्छा अध्यापक था, राजेश वॉज अ गुड टीचर। तुम एक अच्छे तैराक थे, यू वेयर अ गुड स्विमर। शर्मा जी मेरे मित्र थे, शर्मा जी वॉज माय फ्रेंड। बार बार पढ़ें आप समझ में आएगा। था थी थे आ रहा है, पास्ट का टेंस है, इसलिए यहाँ पर हमको वॉज यूज कर रहे हैं। वे सब खुश थे। वे के लिए दे आया, रूलर शब्द है। दे ऑल वेयर हैप्पी। मेरा भाई एक इंजीनियर था, माय ब्रदर वॉज एन इंजीनियर। वह सुंदर लड़की थी,
शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की थी। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, माई फादर वॉज अ डॉक्टर, मेरे दादाजी दुकानदार थे, माई ग्रैंड फादर वॉज अ शॉपकीपर। यह नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इस तरह के वाक्य को नेगेटिव बनाने हेतु वॉज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज और वेयर आएंगे, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। आप देखेंगे ये आपके एफ म्यूटिव मतलब सिंपल सेंटेंस हैं, वही सकारात्मक हैं, सकारात्मक वही है, नकारात्मक मीन्स नेगेटिव। ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है। राम वॉज नॉट हिज ब्रदर, वह मेरा ब्रदर नहीं है, नहीं था, था। सी वॉज अ गुड गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की थी। सी वॉज अ नॉट गुड गर्ल, वह सुंदर लड़की नहीं थी। यू वेयर नॉट वेरी सैड, बहुत दुखी था। आई वॉज स्लीप, मैं सो रहा था। आई वॉज नॉट स्लीप। राम वॉज नॉट गिल्टी। दे वेयर स्टूडेंट्स, बेटर नॉट स्टूडेंट। बी वेयर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। बी वेयर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हेतु हम AJMR वॉज वेयर या AJMR हुआ, AJMR का पढ़ाया आपको, अब वॉज और वेयर को सब्जेक्ट से पूर्व प्रयोग करते हैं। जैसे पहले वॉज वेयर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपके सकारात्मक सेंटेंस है सिंपल वाले। ही वॉज अ हिंदू, वह हिंदू था। वॉज ही अ हिंदू, क्या वह हिंदू था। इट वॉज डार्क, वॉट इट डार्क, जो इट है वॉज उससे पहले आ गया। ही वॉज यूअर एल्डर ब्रदर, वॉज ही यूअर एल्डर ब्रदर। ही वॉज अ पुअर मैन, वॉज ही अ पुअर मैन, क्या वह गरीब आदमी है। दैट वॉज यूअर कार, दैट मतलब वह उसकी कार थी। वॉज दैट यूअर कार, सरला वॉज एन आर्टिस्ट, वॉज सरला एन आर्टिस्ट। महेश वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वॉज महेश एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यू वेयर आर चाइल्ड, वेयर यू आर चाइल्ड। दे वेयर थीप्स, वेयर दे थीप्स। सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वॉज सी एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसी प्रकार आप नेक्स्ट पे देखेंगे। इस स्ट्रक्चर में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आपने नेगेटिव के कम से कम 30 वाक्य आप स्वयं अवश्य बनाएं। इसी प्रकार के और वाक्य लें और आप उनको बनाएं। हमने आपको 3-4 तरह के वाक्य दिखाए हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, फिर नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य में क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ब लगाना है, वॉज वर्ब के बाद प्लस नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले वॉज वेयर आ जाएंगे, वह इंट्रोगेटिव हो जाएगा। उन्हें बोल और सेंटेंस बनाएं, उन्हें बोलकर अपनी जबान को इंग्लिश बोलने का अभ्यास करें। अपने टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब AJMR वॉज वेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को पूर्ण कर लिया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अंग्रेजी सीखने के लिए बार बार रीड करें। बार बार रीड करने से राइट भी करें, रीड करें, यह वर्ड आपको लर्न होंगे, यह वर्ब लर्न होंगी और आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। हिंदी से इंग्लिश सीखें, हिंदी से इंग्लिश जल्दी सीख जाएंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।